टेक्नो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के लिए हमें दो ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से नवाने पड़ेंगे। वो दोनों ऐप के नाम मैं बता देता हूँ। एक का नाम है जेड अचीवर, जो है एक एक्सट्रैक्टर, और दूसरा ऐप है जो मेगा। मेगा ऐप में फ़ायदा ये है कि आपको 50 GB मिल जाती है रखने के लिए, पर ये ऐप मैं मैक्सिमम नहीं रखता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद अनइंस्टॉल कर दी है। तो इसलिए मैं आपको ये कुछ अपने स्क्रीनशॉट से बता दूंगा कि आपको करना क्या है मेगा ऐप के अंदर। आपको मेगा ऐप इसके बाद ओपन कर लेनी है। तो मेगा ऐप ओपन करने पर आपको उसमें एक अकाउंट बनाना है। अगर नहीं है तो मेरा तो लॉगिन करना है, तो मैंने लॉगिन कर ली। और लॉगिन करने के बाद ऐसा एक फोल्डर खुलेगा, उसके बाद एक लिंक वाला ऑप्शन आएगा। उस लिंक में मेरे जो डिस्क्रिप्शन में दिया उसे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद ये खुलेगा तो आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको जेड अचीवर खोल लेना है। जेड अचीवर खोल लेने के बाद जहाँ पर ये फोल्डर है उसको ओपन कर लेना है। तो मैंने ये फोल्डर ओपन कर ली। ओपन करने के बाद दिखता है नीचे कि एक तो जिप फाइल है। उस जिप फाइल को आपको डबल क्लिक नहीं करना है जैसे अभी मैंने की, आपको सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यू करना है। व्यू करने के बाद ऐसा एक फाइल दिखेगा, उस फाइल को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीन चीज़ें दिखेंगी आपको। पहले ही OBB को ही पकड़ना है। OBB को क्लिक करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको डिवाइस मेमोरी में जाना है। डिवाइस मेमोरी एंड्रॉइड जाइए, OBB देखिए और उसमें पेस्ट कर दीजिए। मेरा पहले से ही है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बाद फिर से आपको वहीं जाना है। वहीं जाके आपको फिर अब डेटा को क्लिक करना है। डेटा में भी आपको एक फोल्डर दिखेगा, उसको भी सिंपली आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद डिवाइस मेमोरी में जाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए, डाटा में पेस्ट कीजिएगा। और इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, APK को इंस्टॉल कर लेना है फ़ोन में। और इंस्टॉल करने के बाद अब मैं आगे वाला प्रोसेस आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ। गेम प्ले में मैं ये बताने वाला हूँ कि ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाएंगी। जैसे ये गेम प्ले है, इस गेम प्ले में जैसे आप ओपन करने के जरा सा टाइम लेता है दोस्तों, क्योंकि वो 400 MB का है, 400 MB का गेम। और इसके बाद आपको इसमें सारी की लैंग्वेज आपको नहीं मिलती इंग्लिश वाली, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों प्रोफाइल में जब मैं कोशिश करता हूँ चेंज करने की, तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं ऑन हो रहा है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है, कुछ दिन बाद ये ठीक कर दिया जाएगा। पर आपको अगर इस गेम का मज़ा उठाना है तो आप इसको ओपन करके खेलिए। आज जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा तो आपको इसमें बहुत सारी नई फीचर्स दिख जाएंगी। नए फीचर्स में आपको बहुत सारी जर्सी और बहुत सारे टीम मिलेंगे। तो एक मैच में आपके सामने ही खेलने वाला हूँ। तो मैंने ये कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया और इसमें एक इंट्रो देके अपना ये ऑन होना चाहेगा। तो मैं सारे इंट्रो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसकी गेम प्ले दे दी। और चले गेम प्ले दिया हुआ है तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर। इस अच्छी सी वीडियो को आप कर लीजिए लाइक और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और डब्बे में जो दिख रहे हैं उसको क्लिक करके देखते रहिए। जय हिंद।